तो दोस्तों वेलकम अगेन ऑन अवर चैनल फिल्मी फीलिंग। वीडियो होने वाली है हॉलीवुड स्टारर जेन दाया की फिल्म चैलेंजर्स के बारे में, जिसका अभी एक फोटो या वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। एंड स्टोरी, स्क्रीन प्ले सब कुछ तो अच्छा है, लेकिन इसके बाद जो थ्रीसम सेक्सुअल एरोटिक सीन है इस फिल्म में, तो भाई ये फिल्म फैमिली के साथ देखने के लिए तो नहीं है। वेल बताता हूँ सब डिटेल में, बस बने रहना एंड तक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिल्म चैलेंजर्स में जेन दाया ने ताशी का रोल प्ले किया है, जो एक टेनिस प्लेयर से मैनेजर बनती है। प्रेजेंट टेनिस प्लेयर होने के बाद ताशी अपने हस्बैंड आर्ट डोनाल्डसन को ट्रेन करती है। इसके बाद फिल्म जेन दाया फीस्ट और जोस्ट ओकोनर के बीच पनप रहे लव ट्रायंगल के इर्द गिर्द घूमती है, और इस लव स्टोरी में आपको कुछ काफी हॉट एरोटिक सेक्सुअली सीन भी देखने को मिलेंगे। तो सिर्फ इन्हीं सीन की वजह से फिल्म देखने मत जाना, फिल्म में सेक्सुअल सीन के अलावा भी बहुत कुछ है जो कि आपको फिल्म देखने के बाद पता चलेगा। इसमें जो मेन सब्जेक्ट है वो है टेनिस। टेनिस मैच जितने भी हुए हैं सबका स्क्रीन प्ले भाई कमाल का है। स्पोर्ट ड्रामा फिल्म है, और एक जो स्पोर्ट ड्रामा में होना चाहिए वो सब कुछ दिखाने में कामयाब होती है ये फिल्म। हर तरफ से इस फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू मिल रहे हैं। एंड में खुद रिव्यू देखने के बाद फिल्म देखने गया, और फिल्म देखने के बाद अब जाके इस फिल्म का रिव्यू बना रहा हूँ, जबकि 26 तारीख को रिलीज हुई थी। बात करें परफॉर्मेंस की, तो जेन दाया ने भाई दिल जीत लिया। पता नहीं हमारी लाइफ में कब कोई ऐसी लड़की आएगी। वेल सॉरी यार, मैं पर्सनली चला गया। वहीं माइक ने भी अच्छा काम किया है, एंड इस फिल्म की जान बने हैं जोश ओकोनर। थोड़ा मिस पॉइंट ये है कि कहीं कहीं डायलॉग के बाद सीन को लॉन्ग स्ट्रेच किया जा रहा है, ज्यादातर लव सीन में। एंड जितने भी एरोटिक सेक्सुअली सीन है इतनी बारीकी से दिखाए गए हैं कि बस भाई खड़ा हो जाएगा रोंगटा। एंड जो लव ट्रायंगल दिखाया गया है वो भी एक जिस तरीके से परफेक्ट दिखाना चाहिए वो भी सब अच्छे से दिखाया गया है इस फिल्म में। फिर भी फिल्म सिर्फ इसी सीन की वजह से मत देखने जाना, फिर भी कह रहा हूँ फिल्म रियली में देखने लायक है। तो जाओ अपने फ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, बस फैमिली के साथ मत जाना, ये मेरी एडवाइस है। तो जाओगे या नहीं जाओगे जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। एंड वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, क्योंकि फिल्मों से जुड़ी हर खबर मिलेगी आपको फिल्मी फीलिंग पर।